तो अर्ज किया है, दुनिया है गोल, भोले हैं यहाँ के लोग, दुनिया है गोल, भोले हैं यहाँ के लोग, आओ इन्हें चूतिया बनाए। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. तो क्या हाल है। देखो यार, एक टाइम था जब ब्लॉगर्स की बहुत ज्यादा इज्जत हुआ करती थी। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि उस टाइम वो देश के कोने कोने में जाके हमें वहाँ के व्यूज दिखाते थे, जैसे कि गड्ढे हो गए, पहाड़ हो गए, हरियालियां हो गई, वादियां हो गई हैं। मैं ब्लॉगर्स की ही बात कर रहा हूँ सालों, तुम लोग एक टाइम पे दो दिमाग मत लगाया करो, किसी दिन फंसवाओगे मुझे। लेकिन 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 तुम आज के ब्लॉगर्स को फॉलो करोगे तो ये सब चीजें भले ना देख पाओ, लेकिन उसके लाइफ से जुड़ी सारी चीजें तुम चुटकियों में जान जाओगे कि वो दिन में क्या खाता है, कितनी बार खाता है, क्या पीता है, कितनी बार पीता है, क्या हकता है, कितनी बार हकता है। छी यार, क्योंकि आजकल के ब्लॉगर कॉन्टेंट के नाम पे दिखाते हैं फैमिली ब्लॉगिंग, इसमें ट्रैवल के खर्चे भी नहीं होते और व्यूज भी आ जाते हैं, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ के लोगों का काम ही है कि दूसरों के घरों में झांकना कर क्या रहा है भोसड़ी वाला। तो अपने हाथों को ले जाओ अपने लंड के पास और मुट्ठी मारना चालू करो, क्योंकि मैं दिखाने वाला हूँ तुम्हें अपनी थूथ। वीडियो बन रहा है भाई, भोसड़ी बंद कर, बंद कर। हेलो गाइज, वेलकम टू माई ब्लॉग गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गाइज। और गाइज, हम यहाँ पे आए थे खेतों में गाइज घूमने, क्योंकि हमको लगा था बहुत जोर से हवा आ रही है। तो हमने यहाँ पे देखा गाइज सरसों का, उखड़ गया मादरचोद, सरसों का पता नहीं क्या है गाइज, शायद फूल बोलते हैं इसको गाइज। तो गाइज, मैं आज आपको बताऊंगा कि इसको मतलब ये पीला क्यों है गाइज। तो गाइज हम ये कर रहे हैं, तो गाइज हम वो कर रहे हैं, गाइज हम यहाँ आ गए, गाइज हम वहाँ आ गए। गाइज तो ये पीला इसलिए है गाइज, क्योंकि जब हम सरसों के तेल से कुछ खाते हैं, क्योंकि हमको अच्छा लगता है गाइज, तो हम हकते हैं गाइज, तो मतलब जब हकते हैं ना गाइज तो पीला पीला निकलता है गाइज। अच्छा, तो पीला पीला इसलिए निकलता है क्योंकि हमने सरसों का तेल खाया है गाइज। ठीक है, और हम लोग सरसों का तेल इसीलिए खाते हैं क्योंकि ये पीला है गाइज। ठीक है, और हम लोग हकते पीला है तो इसीलिए सरसों का तेल भी पीला है गाइज। तुम लोग समझ नहीं सकते हो गाइज। ठीक है, समझ गया गाइज, मतलब इतना दिमाग मैंने लगाया। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट। मैं आइंस्टाइन के पास गया था, मतलब उनने मेरे गांव में सरसों का तेल डाला तो मुझे समझ में आया गाइज कि मतलब ये सरसों का तेल पीला क्यों है गाइज। तो गाइज मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतने देर से गाइज गाइज क्यों कर रहा हूँ गाइज, लगता है मेरे गांव में भी गाइज का कीड़ा घुस गया गाइज। तो वीडियो को खत्म करते हैं गाइज, चलते हैं गाइज आगे। तो हेलो गाइज, तो हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं उनकी जिनकी वीडियोस में कभी भाई, कभी मम्मी, कभी पापा और कभी आ जाती है मौसी जी। उन्हीं का नाम है इंडियाज नंबर वन ब्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर और ना जाने क्या क्या, सौरभ जोशी। नहीं आ रहे व्यूज, कुछ अच्छे कंटेंट को जकड़ो। नहीं आ रहे व्यूज, कुछ अच्छे कंटेंट को जकड़ो। एक काम करो, माँ चुदाए व्यूज, व्यूज को पकड़ो। मतलब अब मतलब बिल्कुल हम मतलब अब पढ़ाने मतलब दिल से रिस्पेक्ट है, मतलब थैंक यू भाई, मतलब जुनून से काम, मतलब वो फायरिंग है, मतलब मतलब लास्ट के जो दो तीन एपिसोड्स हैं, मतलब पता है इमोशनल, बहुत इंस्पायरिंग है। हाँ, तो मतलब ये है कि मतलब हगना है तो अच्छे से हगो, मतलब अब ऐसे हगो कि तो मतलब का कोई मतलब नहीं निकलेगा, मतलब और 10 मिनट के वीडियो में तुमने इतना मतलब बोला है कि मतलब भी कहे ना इसका मुझसे कोई मतलब, ना मेरा इससे कोई मतलब, फिर भी ये बार बार मतलब यूज कर रहा है, मतलब चूतिया हो गया, मतलब की गांड भी मार लोगे, मतलब ये 50 शेड्स ऑफ पक्चोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है। तू पागल तो नहीं है, नीचे गिर जाएगा, नीचे देख कितना है भाई, झाड़ियों पता भी चले कहाँ जाएगा। हाँ तो पकड़ो ना, मैं रहता तो एक रेप्टा मारता, कहता भोसड़ी की दोबारा उधर जाएगा तो गांड मार लूंगा, लेकिन भाड़ में जाए पीयूष, तुम्हें चाहिए व्यूज। और इनके वीडियो का टाइटल ही देख लो, पीयूष ने एक्सपेरिमेंट कर दिया, पीयूष का पोपट हो गया, पीयूष प्लेइंग स्पाइडरमैन बट हार गया, पीयूष की सारी मैगी कहाँ गई, सरप्राइजिंग पीयूष मैगी इनकार, तबियत खराब, पैंक ऑन पीयूष, पीयूष के साथ ये क्या हो गया, पीयूष और कुणाल ने रुला दिया, पीयूष ने पिज्जा बनाया, गोलगप्पा चैलेंज विद पीयूष, पीयूष की न्यू साइकिल, पीयूष 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 करो हाथ जोड़ के मैं। तो थार, कुणाल और पीयूष, ये तीनों इनके डेली का कंटेंट है, जिस वीडियो में तीनों नहीं, क्या मतलब ऐसी कोई वीडियो नहीं, जिस वीडियो में पीयूष नहीं उस वीडियो में व्यूज नहीं, और जिस वीडियो में पीयूष उसमें व्यूज ही व्यूज। पेड़ पे ही चढ़ता हूँ, काफी ऊपर चढ़ गया हूँ, किसी दिन हफ्ते हुए भी ब्लॉगिंग का चाचा, ओ भोसड़ी वाले चाचा, किसी दिन हफ्ते हुए भी ब्लॉगिंग कर लो। ओ सॉरी, वो तो डेली करते हो। सोचो तुम पेड़ पे चढ़े हो आंवला तोड़ने, और उसी पेड़ पे बंदर आ जाए। ये पेड़ मेरा घर है, मैं हूँ यहाँ का बंदर, कैमरा कर नीचे, नहीं तो घुस जाऊंगा गाड़ के अंदर। चलो मैं देख लिया, अब पीयूष की बारी है, उसके बाद कुणाल की बारी है, देखते कैसे लगेंगे। हैं पीयूष, तो पीयूष कुछ ऐसे लगेगा टक लगे, तो तू तो पहचान में नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा भाई, कितना फनी लग रहा है भाई, कुणाल तो बहुत क्यूट लग रहा है, कुणाल बस यही देखने के लिए तो हम अपने समय और डाटा की मां चोदते हैं, और यही है इंडियाज नंबर वन ब्लॉगर का कंटेंट। बिना मुठ मारे सोना ही नहीं, हगने के बाद गांड धोना ही नहीं, सौरभ भैया का आया गाना होना ही नहीं। अब पीयूष ने ये कर दिया, पीयूष ने वो कर दिया, पीयूष ने हग दिया, पीयूष ने मुद दिया, इन सब टाइटल की आदत हो गई है, तो गाने का टाइटल कहां ही समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं व्यूज चोरी की एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए
हाँ जानते हैं वीडियो ज्यादा इंटरटेनिंग और लंबा नहीं था क्योंकि गुड मॉर्निंग वेलकम टू और मेरे भी वीडियो में व्यूज आया तो मुझे भी लाइक चाहिए ही चाहिए, बता दे रहे हैं चाहिए ही चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला रोस्ट किस पे आए, जल्दी बताएं।